फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार के समीप पंजाबी बाड़े में डिस्पोजल बनाने वाले दो गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने गोदाम में लगी हुई आग पर काबू पाया। आग लगने के चलते गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लाखों रुपए की क्षति हुई है। अपनी दोस्तियाँ किस तरह का सामान था आपके जो गोदाम ही है? हाँ जी, डिस्पोजल पोछे वाइपर वाइपर। कितना नुकसान समझो आपका इसमें? अभी 8-10 लाख का जी। 8-10 लाख कम से कम, ज्यादा ही होगा। और ज्यादा ही होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। 25-30-25 लाख का भी। और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का? जान माल का नहीं, गोदाम का रहता नहीं है जी। वैसे कोई रास्ता नहीं, आदमी कोई नहीं था। क्या नाम है आपका? हर्ष। आज के कारणों का भी कोई पता नहीं चल पाया, आज के अभी किसी भी कारण का पता नहीं चला, लेकिन अब आग काबू में है। फायर ब्रिगेड आई हुई है, वो अपना काम कर रही है। ऐसा नुकसान नहीं है। ये किस चीज़ का गोडाउन बताया? डिस्पोजल की जो का बता रहे हैं, डिस्पोजल दोनों ग्लास सिलेंडरी वगैरह का सामान था इस तरह। सूचना तो ऐसी मिली थी जैसे कि यहाँ पर सिलेंडर फटा हो। हाँ, सूचना ऐसी मिली थी सिलेंडर का, लेकिन वहाँ पर पता चला है वो खाली मकान है, उसमें किसी ने गोदाम बनाया हुआ। आग किस वजह से लगी है ये पता नहीं। कंजस्टेड एरिया है, बाजार के नज़दीक का एरिया है, और गली की चौड़ाई भी कुछ ज़्यादा खासी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भाई इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए, गोडाउन्स वगैरह यहाँ पर ना बन पाए, ऐसी कुछ संभावना है क्या? देखो, पुलिस तो अपने काम को करने के लिए हमेशा तत्पर है और लोगों की सहायता के लिए ही है हम। और गोदाम जो है उनके बारे में आगे अधिकारियों को बताया जाएगा, जैसा भी होगा उनको कोशिश करेंगे आगे गोदाम ऐसे ना बने हमारे यहाँ।